रवि
माना चेरा घूमिए लड़वा यमा जी कुमार घूम मारी अमरजीत कुमार देखो यही अपना बगीचा है क्या मंत्री हाँ यही अपना बगीचा है देखो कितना आम फरा हुआ है मंत्री चुरचुरिया जी महाराज सबसे पहले तीनों मिलकर को अरे हम दोनों भाई और तो क्या बोलता है मुख्यमंत्री कौन सा मंत्री मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री तो चलो अरे वैसे मैं दोनों भाई वैसे मैं समझता हूँ तेरा भाई अवश्य तो चलो घूमते हैं क्योंकि तभी बालक है मेरा भाई हो सकता है झगड़ा झाटी कर रहे आप रहोगे उसको संभाल लेंगे महाराज आप चिंता न करें आप दोनों भाई बगीचा को अंदर में चल करके अब जितना सुंदर फल हो अधिक से अधिक पीढ़ी फल हो वो आप तोड़ के ला सकते हैं क्यों नहीं और मैं बगीचे के अंदर में घूम फिर के देखता हूँ हो सकता है क्योंकि बहुत नरेर रुचा आम गिरता है तो ठाक ले जाता है ठीक है मंत्री तो चलो मंत्री जी महाराज एक बात आप देखते हो कहिए महाराज अपने भंडार को नाम देखो झाकर को देखो उत्तर को दिशा में बीजू आम है दक्षिण को ओर में गोबरहा आम है और पश्चिम को ओर गोबरहा आम है मंत्री उत्तराखंड में देखो मेरा पिताजी और आम लगाया है कौन सा बम्बई मालभोग वही मालभोग बम्बई मंत्री तुरा इधर बोलिए महाराज मंत्री जी महाराज वो फल मैं तोड़ लेता हूँ देखो फल तोड़ना है अलग अलग फल तोड़ना है ये नहीं जो दोनों भाई एक ही फल पर निशाना बनाए और दोनों भाई झगड़ा मत करना नहीं वो फल मैं तोड़ कर को अपने माँ को ले जाऊंगा ठीक है तुम फल तोड़ोगे तुम अपने माँ के लिए ले जाओगे और ये तोड़ेगा ये अपनी माँ के लिए ले जाएगा क्यों क्यों आखिर में दोनों को माँ तो भेजा है बगीचे को अंदर में नहीं मैं ले जाऊंगा तो अपनी माँ के लिए मैं कह दिया हूँ दोनों की माँ एक जैसा है नहीं बोल दिया नहीं तो नहीं हाँ एक बात सुनो मेरे दोनों भाई में झगड़ा कैसे होगा नहीं होगा जो हम तोड़ेगा वही नहीं ठीक है सुनो ये बहुत तेज आदमी है अब तुम गुरबक हो सबसे पहले तुमको आम तोड़ना है अगर तुम अगर सुंदर फल अगर तोड़ के ले अरे मैं इसको समझा क्या समझा रहा है मंत्री उसको समझा रहा है देखो तुम्हारे माँ ने बोला सुंदर फल लाओगे तो सुंदर ज्ञान देगा सुंदर वचन देगा मंत्री बोलो ईश्वर माँ मेरा जो जान का फल है वैसा मेरा माँ मुझे पैदा क्या है अब साल का जवान क्या है मंत्री उस माँ को लिए चाहे मेरा भाई भैया रहे ना रहे मैं आम ले लूंगा अपनी माँ को हाँ सही समझा सही क्योंकि अपने माँ के लिए सुंदर फल ले जाना है ठीक है मैं तुम्हारे बोलता हूँ सुंदर फल माँ को लिए ले जाना है मैं उसको भी समझाता हूँ
देखो तुम्हारा भाई जो है वो सोचता है मैं अपनी माँ के लिए सुंदर फूल फल ले जाऊं, और तुम्हारा भी माँ तो भेजा है। हाँ तो जो सबसे फल तोड़ेगा वो अपना माँ का प्यारा होगा। देखो राय मंत्री समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहा तुमको भी समझा रहा हूँ, समझ नहीं रहा। मंत्री का मारना नहीं है नौ साला, मैं एक बार किसी को समझाता हूँ तुम्हारा नहीं, नहीं तो अच्छा ठीक है तुम भी तोड़ो, इधर आओ। देखो वो बदमाश है, तुम तो बदमाश हो, छोटे हो, तुमको सबसे पहले सुंदर फल लाल लाल पियर पियर तोड़ के ले जाना। मंत्री आप जानते नहीं, मैं इसमें चालबाजी करूंगा। अगर तुम सुंदर फल ले जाओगे माँ के लिए तो कितना प्यारा से लगेगा, कितना मंत्री याम कैसे क्या समझाया मेरा भाई को? कहता हूँ जी तेरा बड़े भाई है, बड़े भाई को वचन मानना चाहिए, जो भी फल होगा दोनों भाई बांट कर करके हटके बात करो। क्या समझाया? जो फल होगा दोनों भाई मिलकर, साला हम बड़ा है हमके तरफ रहेगा या तू उसको तरफ रहेगा? सुनो गाछ एक है फल अनेक है। मैं क्या बोल रहा हूँ? उंगली मत उंगली नीचे करो, नहीं तो हमारे आम सड़ जाएगा। ठीक है जाकर के बोलो, जो पहले आप कर लगा उसी को। ठीक है इधर आओ, सबसे पहले तुमको फल तोड़ना है। ठीक है चाहे जो भी जाए, एक फल ऐसा है बहुत से प्यारा, बहुत से मीठा, बहुत से मधुर फल है, वो फल को तुमको तोड़ना है, तो ले जाना है मां को। हाँ अपने माँ को ले जाना है, चाहे जो भी जाए। क्या हुआ? चलो बोलो बोलो तैयार होने के लिए, करने के लिए। ठीक है तुम दोनों तोड़ो। अरे 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 तू तो रहा है ना, मैं ये तो रहा है, मैं तो रहा हूँ, मेरा गोला लगा हुआ, मैं तो रहा हूँ। अरे मेरा, अरे नहीं दूंगा यार, क्यों नहीं देगा? पहले आम ला। अरे तू लिया, तू आम दे। अबे तू लिया, आम नहीं लाएंगे। आम मेरा बगीचा है, मेरा माँ अपना माँ के लिए आम ले जाएंगे, चाहे जो भी चाहे। तेरा बगीचा है, मेरा पिताजी ने लूटपाट के बनाया। समझाओ इस काम। तेरा पिताजी नरहे लुच्चा है,
क्या उसी के बेटा मैं ना रह जाएगा, पिताजी ना रह, ओसा अमर जी भी ना रह। क्या तू लगता नहीं देगो? नहीं देंगे, नहीं देगा फल। संदेश को जो लड़ेगा, जो हारेगा उसको फाड़ेगा, जो जीतेगा उसको पीटेगा। पहले ये बताओ जो किसने आम तोड़ा? आम तोड़ा कौन आम तोड़ा? अरे कोई भी तोड़े आम, मैं माँ के लिए ले जाऊंगा। देखो ऐसा ऐसा नहीं होता। जैसा मेरा पिताजी ने रहा है पूरा पापड़ो किला बन सुनो क्या दोनों भाई है, झंझट मत करो। नहीं सच्चाई बताओ जो किसने आम तोड़ा? आम मैं तोड़ा हूँ। अरे मैं तोड़ा हूँ तुमको इसको चलो और पहले बोलो उसको आम देने के लिए। सुनो एक आम में तीन फक्का बनता है, आधा तुम ले लो आधा तुम ले लो, पिछला मेरा दे दो। अरे उस मसान एक बूंद किसी को नहीं देंगे, उसको बोलो आम देने के लिए। सुनो ऐसे झंझट नहीं फट जाएगा, चलो माँ के पास। अगर माँ के पास जाओगे तो माँ फैसला करेगा जो कौन रोन हो रहा है। नहीं माँ के पास अभी नहीं जाएंगे। क्यों जानते हैं? मैं चोर है मंत्री, ये हरम ले जा सकता है, ये सोचा है मैं जगीर रुद्र सिंह को पुत्र हूँ तो ऐसा मैं भी बोले। महाराज आप ही तो अमर पति आला का बेटा हूँ, मैं हमारा पतियाला सिंह को पुत्र इंदल कुमार है, फाड़ दूंगा नीचे से ऊपर, नहीं तो छोटा भाई है समझ जा तू। मंत्री इसको समझाओ पूरा तरीका से। देखो अमरजीत ये बड़े भाई मैं बड़े तरीके से समझा
नहीं समझेगा। अरे बाप चमार बेटा दिलीप कुमार बनता है। अरे क्या मेरा मारा मारते मारते मेरा पीर बखर दिया। उठा उठा बजा रहा है, बजा रहा है ना, बजा रहा है। काहे बजा रहा है उसे, ताल तो कम है। मेरा आम क्यों ले लिया? बजा रहा तो इतना कम क्यों बजा रहा? और बजा रहा, और बजा रहा। अगर ज्यादा कर करेगा सुन लो क्या करोगे। अरे क्या करेगा तू? मंत्री जी महाराज ये वैसा नहीं समझेगा। देखो छोटा है इसलिए आप मत। मैं क्यों? मैं इसको सब दिन मैं दुला किया हूँ जी, भाई को दाखिल मानता हूँ महाराज। लेकिन ये हरामजादा अपना पारा इस टाइम में नहीं समझा। अरे सांप के बेटा सांप नहीं है, कौन सांप के बेटा गोह मत। हाँ बोलो। पता है हमको पिताजी क्या कर दिया? पता है क्या किया? बता दूं। हाँ बताओ। अरे पूरा बलूटे पूर पाटन का भगवान को कथा पढ़ना छोड़। ए मंत्री और नीचा सुनो, दोनों एक ही वंश के हो, केवल फर्क है दोनों ठीक है। मैं झगड़ा का पक्ष नहीं रहता हूँ क्योंकि चाची से मैंने ऑर्डर लिया जी। आज मैं इसको साथ कुछ कर सकता हूँ तो चाची मुझे बदनाम करेगा जी। मेरा समझाता हूँ दोनों भाई का, आपस में लड़ो मत। चाचा भी बोलेगा जो इंदल कुमार तुम उनसे बड़ा था कैसे उसको साथ में तबीजी किया। यही तो मैं समझ रहा हूँ, इसी द्वारे मैं इनसे राज झगड़ नहीं करूँगा। सबसे पहले माँ और चाची को बोला मैं उसी से। सही बात बोले, जो फैसला वही दोनों करेंगे। मैं अभी अभी महारानी को बुलाता हूँ, फैसला दोनों ही के दोनों करेंगे। आहे दे दादा रसनमा ए मोरो मैया रे, आ तो मैया सुन ले पर ले जा रूरी है तोरो
चाची को बोला मैं उसी से सही बात बोले जो फैसला वही दोनों करेंगे। मैं अभी अभी महारानी को बुलाता हूँ फैसला दोनों ही के दोनों करेंगे। आहे दे दादा रसनमा ए मोरो मैया रे आ तो मैया सुन ले Yeah।